हरदोई में अन्ना जानवरों से परेशान किसानों की कमजोर नब्ज को पहचान कर किसानों से जानवर पकड़वा कर योजनाबद्ध तरीके से गौकसी करने वाले एक गिरोह को पुलिस ने गिरोह के 4 लोगों को दौड़ाकर पकड़ लिया। इस गिरोह के 2 सदस्य पुलिस की गिरफ्त से भागने में सफल रहे। पकड़े गए लोगों के विरुद्ध पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम व गौवध निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई कर न्यायालय भेजा। प्रभारी निरीक्षक बेनीगंज दीपक सिंह रघुवंशी ने इस मामले में बताया कि लखनऊ से आई टीम बताने वाले लोगों में इस्माइल सद्दाम निवासी नारायणपुर केसीखेड़ा संडीला सहित नया गांव मल्लावा निवासी मंजेश पाल नीरज पाल को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 1 अदद डाला गाड़ी व मोटरसाइकिल को कब्जे में लिया गया। इनके साथ ही तिलैया संडीला निवासी नायब व सानू भागने में सफल रहे। फरार लोगों के विरुद्ध वन क्षेत्र की कार्रवाई की गई है। बरामद मोटरसाइकिल पकड़े गए अभियुक्त सद्दाम की पत्नी के नाम पंजीकृत है। बंधक जानवरों को पास के निराश्रित गौवंश आश्रय स्थल के सुपुत्र किया गया है। TV1 इंडिया न्यूज के लिए संतोष मिश्रा की रिपोर्ट, हरदोई। जिला फिरोजाबाद के नगर सिरसागंज में स्थित श्री पारसनाथ दिगंबर जैन बड़े मंदिर में 25 जुलाई से चल रहे इंद्रधनुष महामंडल विधान का समापन हो गया। इसी के चलते जैन समाज द्वारा बैंड बाजों के साथ श्री पारसनाथ दिगंबर जी की एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि शोभा यात्रा जैन मंदिर से प्रारंभ होकर मुख्य मार्गों से होती हुई नगर में भ्रमण किया। शोभा यात्रा का समापन मुन्नीलाल जैन धर्मशाला में हुआ। मुन्नीलाल जैन धर्मशाला में जैन समाज द्वारा श्री जी का अभिषेक भी किया गया। श्री जी के अभिषेक के बाद जैन समाज द्वारा पूजा अर्चना व आरती का आयोजन किया गया, जिसमें जैन समाज की महिलाएं बच्चे एवं पुरुष और सम्भ्रांत नागरिकों ने भाग लिया। शोभा यात्रा में पहुंचे डॉक्टर ललित मोहन जादौन का जैन समाज के लोगों द्वारा स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में नगर के सम्भ्रांत नागरिकों के साथ जैन समाज के बच्चे महिलाएं पुरुष उपस्थित रहे। आज सकल दिगंबर जैन समाज शिक्षा मंच के तत्वाधान में श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी और पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर से आज भव्य रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें इंद्रध्वज महामंडल विधान के संपूर्ण होने और उसके विश्रांति महायज्ञ के हवन के उपरांत आज रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन अत्यंत भव्यता के साथ किया गया, जिसमें चक्रवर्ती और सौधर्मिंद्र के साथ मैं स्वयं और श्री नरेंद्र मान जी आज रथ पर श्री जी को साथ लेकर चल रहे थे और सभी हजारों की संख्या में आज श्रद्धालु भक्ति भाव से नृत्य करते हुए गेंद वायु साथ शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हमारे सांसद प्रतिनिधि ललित मोहन जाधवन जी और साथ में नगर पंचायत अध्यक्ष संत कुमार सोनी सिवरे आज एकत्रित हुए। साथ ही हजारों श्रद्धालुओं ने यहाँ मुन्नालाल ट्रस्ट में आकर आज सबसे पहले अभिषेक पूजन की क्रियाओं को देखा और अभिषेक पूजन शानदारा के साथ यहाँ से फिर यह रथ यात्रा वापस होकर श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर पर समापन होगी। वहाँ पर श्री जी को यथा स्थान पर विराजित किया जाएगा। यह शोभा यात्रा प्रभावना के अंतर्गत आती है, जिससे जैन धर्म की प्रभावना हो और श्री जी स्वयं नगर में भ्रमण करते हुए सभी प्रभावना के महत्व के समझाते हुए जैन धर्म की पताका को आगे लहराएं। अवल हुआ हिंदू धर्म महामंडल वहाँ के समापन पक्ष में, उसके बाद रथ यात्रा सिरसागंज के विभिन्न मार्गों से होते हुए मुन्नीलाल धर्मशाला में उपस्थित लोगों के सामने श्री जी का अभिषेक हुआ। उसके बाद सकल दिगंबर जैन समाज का भोजन की व्यवस्था की गई है। बड़े धूमधाम के साथ हिंदू धर्म महामंडल वहाँ का समापन सम्पन्न हुआ है। आज TV1 इंडिया न्यूज के लिए मयंक शर्मा की रिपोर्ट, फिरोजाबाद। जनपद लखीमपुर खीरी के बरबर कस्बे के अधिशासी अधिकारी की दबंगई के चलते जनता के कोई कार्य नहीं हो रहे हैं। और बताते चले, यही मामला बरबर कस्बे के एक फुरकान नाम के युवक का है, जो अपने पुत्र का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने गया था तो उसे वहां पर अधिशासी अधिकारी ने अपमानित कर भगा दिया और कहा, तुम्हारा पानी का बिल बाकी है, जब तक तुम बिल नहीं अदा करोगे तब तक जन्म प्रमाण पत्र तुम्हें बनाकर नहीं दिया जाएगा। फुरकान ने अधिशासी अधिकारी से कहा, सर मैं जमा कर दूंगा, मेरी माँ की डेथ अभी पिछले महीने हुई है, काफी पैसा इलाज में लग गया है, मैं धीरे धीरे सर जमा कर दूंगा। लेकिन उन्होंने एक भी ना सुनी और उसे वहां से भगा दिया। जिसका संवाददाता ने जानकारी चाही तो संवाददाता से भी कहा गया, आधा पेमेंट जमा करवा दिया जाएगा, मैं उसका जन्म प्रमाण पत्र बना दूंगा, आधा पेमेंट नहीं जमा होगा जब तक मैं जन्म प्रमाण पत्र बनाकर नहीं दूंगा। नहीं, ये जो बात हो रही है, मैं कोई वजह नहीं देना चाहता। नहीं, जिसका पानी का बिल अगर बाकी है, मैं कोई वजह नहीं देना चाहता हूं। नहीं, जिसका पानी का बिल बाकी है
उसका वसूली नोटिस दिया जाएगी, नहीं होगा तो आशी जारी की जाएगी। नहीं नहीं, हम वो तो जारी करिए आप, लेकिन हमारे कहने मतलब ये है कि उसका जो प्रमाण पत्र बनना था, जन्म प्रमाण पत्र उसकी लड़की का बन, लड़के का बनना था, अभी डिलीवरी हुई है तो उसकी बात हम कर रहे हैं। तो अगर उसका बाकी है तो बनेगा नहीं क्या? क्या उसका अगर बाकी है क्या बनेगा नहीं? किसी का भी होगा बकाया वसूला जाएगा, थाना वाले पहले नहीं उसका अगर दूसरा जन्म प्राप्ति बनेगा, बकाया भी वसूला जाएगा, दोनों काम होंगे। नहीं अगर उसका कोई दूसरा काम अगर है तो, अगर बकाया तो दूसरा काम उसका यहाँ नहीं होगा क्या? अगर उसका कोई दूसरा काम है तो बकाया तो होगा जी, नियमानुसार होगा वही होगा। नहीं नियमानुसार तो होगा नियम, लेकिन अभी ये क्या अनलीगल काम है? क्या चीज़? ये जो जन्म प्रमाण पत्र का है अनलीगल काम है। मैंने तो नहीं कहा जन्म प्रमाण पत्र का, मैंने तो नहीं कहा। अगर नहीं, अगर वो जमा नहीं करेगा तो ना बनने के समय क्या है? क्या अगर वो जैसे बाई चांस नहीं जमा करा, उसकी माँ की भी डेथ हुई है, उसकी पिछले महीने उसकी माँ की डेथ हुई है, काफी वो घर से परेशान। कितने महीने का है उसका? क्या कितने महीने का है? क्या कितने महीने का है? कितने महीने का जन्म? ये लगभग हो जाए, ये होगा लगभग एक महीने के आसपास। एक महीने का जन्मूल है? हाँ। तीन साल का जन्मूल है? नहीं जन्मूल है, उसके जन्म प्रमाण पत्र की बात है। जन्मूल है तो तीन साल का बकाया जन्मूल लेके तो जाएगा क्या? तीन साल का जो बकाया जन्मूल होगा? नहीं नहीं, वो तो वसूला जाएगा, हम उसकी बात नहीं, हम उसकी बात, हम सर उसकी बात नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो तो आप वसूलिए, वो वसूलिए, वो बिल्कुल जो वो तो वसूले ही जाएगा, वो नियमानुसार वसूला जाएगा। लेकिन हमारे कहने का मतलब है अगर किसी पे अगर पैसा बाकी है जी, अगर किसी पे पैसा बाकी है और नहीं उसका जमा है या दूसरा उसका काम पड़ गया है तो पैसा जमा उसका दूसरा काम नहीं होगा। बिल्कुल होगा काम, बिल्कुल तो इसका तो इसका क्यों, इसका क्यों जो है नहीं बना? बिल्कुल वसूली की, वो अपना डॉक्यूमेंट दे उसका बिल्कुल जमा होगा। नहीं वो तो आया था सुबह, यहाँ काफी उसने कहा नहीं वहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट दे गया हूँ। डॉक्यूमेंट नहीं बनवाने, जब उसका लेंगे ही नहीं तो फिर देखिए यहाँ आया था परमा से काफी बात किया, कुछ नहीं दे गया। और अभी आपने कहा कि जब तक आधा नहीं जमा होगा जब तक मैं कुछ नहीं करूँगा। देखो एक बात बता, नहीं आपने अभी कहा, अभी आपने हमसे कहा नहीं कहा? क्या कहा अभी आपने हमसे? ये कहा देखिए मैं आधा जमा करने पड़ेगा तभी बन पाएगा, ऐसा है आपने कहा नहीं कहा? देखो ऐसा है, आपने जारी कर चुका। नहीं नहीं अभी आपने सुनिए, ऐसा है मैंने आदेश जारी किया है। नहीं नहीं आदेश जारी करिए, बकाया जमा होगा ठीक है, पहले बकाया जमा होगा फिर बाकी काम होगा। नहीं नहीं हम बकाया जमा करिए, करवाइए, वो आपका काम है, आप इस बात बैठे हैं, लेकिन हमें ये बताइए आपने ऐसी बात कही भी नहीं कही कि जब तक जमा नहीं होगा जब तक बिल नहीं जमा होगा, आधा तो जमा करना पड़ेगा। आपने कहा जब तक आधा नहीं जमा, मैंने कहा है देखो अगर नहीं जमा होगा पैसा, अगर नहीं जमा होगा तो आरसी जारी कराया जाएगा। नहीं नहीं आरसी, आरसी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आरसी तो जारी करा सकते हैं आप, आरसी आपका वो है अधिकार है, आरसी जारी करेंगे। आप इस कुर्सी बैठे हैं, ईओ की कुर्सी पे, ईओ की पोस्ट पे हैं, अच्छा सी अधिकारी हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि जो ये सिस्टम है जन्म प्रमाण पत्र वाला, आपने कहा कि आधा जब तक नहीं जमा होगा जब तक हम बना के नहीं, आपने ये कहा नहीं कहा? आपने ये कहा नहीं कहा? नहीं आपने, हम जिसकी बात करें वो दीजिए बताइए ना। मैं जो पूछ रहा हूँ, हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब, अरे जो हम पूछ रहे हैं सर वो आपकी मर्जी से बोलेंगे। नहीं आप ब्लैकमेल करने आए हैं? हम ब्लैकमेल कर रहे हैं? बिल्कुल ब्लैकमेल। क्या ब्लैकमेल? यहाँ पे ब्लैकमेल कर रहे हैं? क्या ब्लैकमेल? बिल्कुल ब्लैकमेल कर रहे हैं? क्या ब्लैकमेल? आप देखेंगे ब्लैकमेल, क्या ब्लैकमेल कर रहे हैं आप? बिल्कुल ब्लैकमेल कर रहे हैं। अरे अरे क्या हम आपसे, आप पहले अपनी आईडी दिखाइए। क्या है आईडी? आपने आईडी दिखाई? आई कार्ड, आई कार्ड, आई कार्ड फोन करता हूँ अभी। बिल्कुल करिए, देखिए क्या आप ब्लैकमेल करेंगे आप लोग? हाँ ब्लैकमेल तो हम कर ही रहे हैं आपको। हनी हमें इसका जवाब तो दे दीजिए प्लीज, आप बात करिए चाहे जिससे करना हो, यही ना आपने ये बात अभी आप हमसे कहा? कब कहा आपसे? फोन पे अभी कहा? कब कहा? अभी। क्या रहा, क्या सबूत है आपके पास? हमारे पास रिकॉर्डिंग है। ठीक है तो रिकॉर्डिंग दिखाइए। टैक्स ना जमा करना बोले पब्लिक को? नहीं टैक्स जमा करवाइए, मैं मना थोड़ी कर रहा हूं, मैं टैक्स की बात नहीं, गवर्नमेंट कह रही है टैक्स जमा करने ले, आप टैक्स का विरोध करिए, टैक्स जमा करिए, हम विरोध नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं विरोध कर रहे हैं कि टैक्स ना जमा किया जाए, हम ये थोड़ी कि टैक्स ना जमा कराइए। कितने साल का जन्मूल है आप? हमें ये नहीं पता कितने कितने साल का जन्मूल है, पता होना चाहिए ना कितना है? हमें नहीं मालूम, हम उसे पूछ लेंगे, हम उसे पूछेंगे अभी, बिल्कुल पता होना चाहिए कितना है, हम पूछ लेंगे। ₹30 महीना होता है जी? ₹30 महीना। हाँ कितना हो गया? नहीं नहीं वो सही बात है आपकी, अरे सर पहले बता रहा हूँ, बता रहा हूँ अगर 3200 है बटे 30 एकड़ दे दीजिए, देख लिया बात करता हूँ थोड़ा देर। हाँ बिल्कुल बात करिए, चाहे जिससे बात करिए। नहीं हम जो सर पूछ रहे वो बता दीजिए प्लीज। 106 महीने क्या बता रहे? यही ना जो आपने अभी हमसे बात की, आपने ये कहा कि जब तक आधा नहीं जमा होगा जब तक हम नहीं बना के देंगे। भाई जब तक देखो टैक्स जमा करना गवर्नमेंट की प्राथमिकता है, ठीक है जी, आप ये समझ लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है,
टैक्स जमा नहीं होगा, आप यहाँ आके दबाव बना रहे हैं कि टैक्स नहीं। दबाव जी, आप क्यों दबाव बना रहे हैं? हम दबाव थोड़ी ना बना रहे हैं, टैक्स लीजिए, आरसी जारी करिए। नहीं नहीं क्यों, हैं? टैक्स लीजिए, आरसी जिसका नहीं आरसी जारी करिए। जो आरसी जारी करने पे टैक्स जमा होगा बस। आप बताइए क्या करोगे? अरे रिक्वेस्ट करेंगे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वो तो रिक्वेस्ट तो कर रहे हैं। नहीं वो तो करेंगे ही, रिक्वेस्ट तो कर रहे हैं। नहीं वो तो करेंगे ही, वो तो अलग की बात है। हमारा सहयोग जो हमारे लाख सेवा वो भी बताए, हम भी सहयोग करेंगे, हम भी करेंगे, लेकिन इस तरीके से उसको यहाँ से बिल्कुल बिल्कुल यहाँ से फटकार के उसको भगा दिया जाता है। ये कौन सी बात है? क्या फटकार भगाया? क्या फटकार भगाया? अरे कम से कम जमा उस लड़के की पैदाइश, उसकी माँ की डेथ हुई अभी पिछले महीने, यहाँ पड़ोस में ही रहता है, आप सब मालूम कर लीजिए। उससे टैक्स ना ले? नहीं नहीं टैक्स लीजिए, मैंने कब कहा टैक्स? उसने ये कहा कि मैं थोड़ा आगे जमा कर दूंगा। कुछ तो जमा कर दे, 100-200-300 रुपए तो हमारे पास जो है कुछ तो जमा कर दे, टारगेट है। वो सही बात है, कुछ तो जमा कर दे। नहीं नहीं वो सही बात, हम सिर्फ इतना पूछना चाहते थे आपसे, जिसका टैक्स नहीं जमा है उसका दूसरा काम नहीं होगा? नहीं बिल्कुल काम होगा, ऐसा नहीं होगा, बाकी कुछ नहीं होगा, बिल्कुल काम होगा, नियम अनुसार होगा, बिल्कुल काम करेगी भाई जी, बिल्कुल काम जी जी। तो आप वो नहीं बात बताएं कि आपने हाफ की बात की या नहीं की? क्या जी? हाफ की हाफ वाली बात आपने? देखो मेरी कोशिश अधिकतम टैक्स। चलिए ठीक है, हमारे पास तो है। ठीक ठीक है। TV1 इंडिया न्यूज के लिए रफीक खान की रिपोर्ट, लखीमपुर खीरी। स्थानीय विकास खंड सभागार में नव निर्वाचित ब्लॉक प्रमुख को SDM मार्टिनगंज द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण समारोह के मुख्य अतिथि तथा अध्यक्षता विकास खंड ठेकमा के ब्लॉक प्रमुख भूपेन्द्र सिंह मुन्ना रहे। दिनांक 5 अगस्त को जिलाधिकारी की सूचना के आधार पर उप जिलाधिकारी मार्टिनगंज सुधीर कुमार श्रीवास्तव द्वारा नव निर्वाचित ब्लॉक प्रमुख गौरव सिंह को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर विकास खंड के सभी क्षेत्र पंचायत सदस्य ग्राम प्रधान जिला पंचायत सदस्य खंड विकास अधिकारी प्रेम चंद्र राम उनके अधीनस्थ अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालक सहायक विकास अधिकारी सहकारिता प्रमोद कुमार सिंह ने किया। शपथ ग्रहण करने के बाद पूरे सदन को संबोधित करते हुए ब्लॉक प्रमुख मार्टिनगंज गौरव सिंह ने सबको धन्यवाद ज्ञापित किया तथा कहा कि पिछले ब्लॉक प्रमुखों के द्वारा जो भी कार्य अधूरे रह गए हैं उनको मैं अपने कार्यकाल में पूरा करूंगा। वैसे समय तो बहुत कम बच गया है लेकिन मैं शासन सत्ता में सहयोग लेकर जिस किसी भी तरह से बन पड़ेगा मैं पूरे विकास खंड के विकास के लिए कार्य करूंगा। कार्यक्रम को भाजपा के वरिष्ठ नेता बजरंग बहादुर सिंह, जयप्रकाश जायसवाल ठाकुर, प्रसाद सिंह, ग्राम प्रधान तेज बहादुर सिंह, मोहम्मद आसिम, कनिष्ठ लिपिक शब्बीर अहमद सहित समस्त अधिकारी कर्मचारी, ग्राम प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्य उपस्थित रहे। इसमें अभी तक कोई भी विकास नहीं है जी, उसकी वजह थी सबसे पहले हमारे बड़े विकास काम अभी तक नहीं हो पाया। मेरा या पूरा प्रयास है, मेरी कोशिश है कि जो भी साल योजना द्वारा खर्चा जितना भी उपलब्ध फंड रहता है उसके अलावा जो भी मैं अपने और प्रयासों से इधर उधर से ला सकता हूँ, मैं पूरे ब्लॉक के जितने भी ग्राम सभा हैं सभी किसी सदस्यों को समान मैं कोशिश करूँगा कि उनका काम दे पाऊँ, उनके क्षेत्र में विकास कर सकूँ। माननीय मंत्री जी के प्रोग्राम के बारे में कुछ बात हो रही है? 12 बजे किसी साथ इसी ब्लॉक परिषद जी लोक द्वार परसों। क्या समय बताया? परसों 7 तारीख को, 7 अगस्त 2019 को दिन 12 बजे माननीय मंत्री जी सौदे सिंह का प्रोग्राम यहाँ प्रस्तावित है। इसके उपलक्ष्य में आप सबसे निवेदन है, सबसे क्षेत्र पचास सदस्यों से निवेदन है कि सभी लोग इसी तरह भारी संख्या में उपस्थित होकर कार्य करें। ठीक। मंत्री जी से क्या उम्मीदें हैं आपको? मंत्री जी से हम अपने क्षेत्र के विकास की चर्चा करेंगे, अब उनसे अपना निवेदन करेंगे। बाकी माननीय मंत्री जी जिस हिसाब से अपनी सुंदरता और सुनिश्चितता को देखते हुए जो हमको दे देंगे, जो भी हमको देना चाहेंगे उनका स्वागत। बहुत बहुत। TV1 इंडिया न्यूज के लिए रामायण सिंह की रिपोर्ट, मार्टिनगंज आजमगढ़। रामसभा पवाया ब्लॉक भरावन थाना अतरौली तहसील संडीला जिला बताते चलते हैं कि प्रधान की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही है। जी हां, लाभार्थी को मिले शौचालय जिसमें एक किस्त तो मिली, दूसरी किस्त पर प्रधान का कहना है कि 4000 हमें चाहिए, नहीं दोगे तो कहीं भी जाओ DM SP कप्तान के पास, कहीं आपकी सुनी नहीं जाएगी। या प्रधान के लाभार्थी वहाँ जाए, मीडिया के थ्रू अधिकारियों तक अपनी बात रखी है। गाँव में प्रधान की चल रही मनमानी, लाभार्थी परेशान, सिक्योरिटी व वीडियो की मिली भगत, प्रधान समिति मिलकर कर रहे बंदरवाड़। क्या नाम है भैया आपका? राजू साहब। राजू, क्या दिक्कत है आपको? हमको साहब दिक्कत यह है कि यहाँ पर गौशाला जो बना हुआ है जी, उसमें जो है हमको परेशानी प्रधान ने दिया गया है
जी, कि जहाँ से नपा था वहाँ से बनाया नहीं गया, जबरदस्ती मेरा मकान भी ले लिया गया उसके अंदर। अब उसमें जो है हमारे जानवर को तकलीफ हो रही है, मुझको तकलीफ हो रही है, और जो कहते हैं तो भगाते हैं, मारते बगरियाते भी हैं वहाँ के लोग, प्रधान वरधान। अच्छा, प्रधान गाली देता है? हाँ, प्रधान है और जो कार्यकर्ता हैं वो भी परेशान करते हैं यहाँ पे जी, और कहते हैं कि उसमें से हटाइए, उसको गिराइए, घर और हटाइए, यहाँ से जानवर भगाइए अपना। अच्छा, ऐसा बोलते हैं? हाँ, ये सब बोल रहे हैं। अच्छा, ये गौशाला है? हाँ, ये गौशाला है साहब। अच्छा, और आपके साथ में आपको और कष्ट दिया प्रधान ने? और कष्ट ये है कि जहाँ पे जानवर गौशाले के मरते हैं वो उठाए नहीं जाते हैं, और उठाते हैं तो सड़ जाते हैं, यहाँ पे बहुत बदबू देते हैं, और कोई अगर चौकीदार से कहा जाता है या कोई प्रधान से कहा जाता है तो कहता है जहाँ जाना है तहाँ जाइए, कोई मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा, ये कहते हैं सीधे सब प्रसन्न बसाता है यहाँ पे, अब तक गंदगी हो रही है। भैया आप बताइए इसके गौशाले के विषय में। नहीं, बात सही है। क्या सही है? सही जो है बताओ, लगा लगा जहरीली इंजेक्शन, बताओ मारे जाए तो बताओ, ये त्रिपरे है तो बताओ, बदबू नहीं है तो बताओ, बीमारी फैली नहीं फैली? हाँ, करीब में है। आप भैया, आपका नाम? हमारा उत्तम कुमार, मैं ग्राम भगवंतापुर का रहने वाला हूँ। मेरी दो लैट्रीने आई थी मोदी सरकार में, जिससे मैंने 6,000 की दो चेकें मैंने प्राप्त की, मिल चुकी हैं। दोबारा मैंने जब प्रधान के घर गए जी, तो उन्होंने बोला 4,000 रुपये हमें दे दीजिए। 4,000 दो लैट्रीनों पे। हमने कहा हम नहीं दे पाएंगे, चेक भी ले ली, दिया नहीं, लेने गए कहने लगे कि हमको दिया ही कहाँ है। मैं वो संतोष सेक्रेटरी के सामने की ये बात है, वो जानवरों का भूसा प्रधान के घर तय करने गए थे जी, उनके सामने की बात है, और उत्तर अधिकारी ने वहाँ लिखवा लिया था कि मैं ब्लॉक से चेक प्राप्त कर रहा हूँ जी, और चेकें अभी नहीं मेरी मिली, ऐसी बात है। अच्छा, और कोई बात आपके ऊपर? और क्या, ये मेरा बोर्ड जो है देखो ध्वस्त हो गया, मेरा इंजन बाहर निकला, पर इंजन देखो जरा नेरे से, सब अंदर घुस गया, पंखा वंखा मेरा बंद हो गया जी, किनारा बोर्ड की तरफ से खुदवा दिया है ना, वो धरसोल से सब ढहा गया जी, ध्वस्त हो गया गौशाला के जरिए, क्योंकि SDM साहब उस घूर के पास से नाप गए थे, ढूही लगी थी जी, और वो जब कहा गया तो कहने लगे तुम्हारे गांव के ऐतराज कर रहे हैं, मगर गांव का कोई इंसान नहीं ऐतराज कर रहा था, सारी जड़ लैट्रीन के 4,000 रुपया पाने के कारण हुई। अगर मैं 4,000 रुपया दे देता तो ना मेरा ये बोर जाता गौशाला के अंदर, ना ऐसा होता। आपका हमारा रतन नाम है। रतन जी, क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत हमको यही है साहब, वहाँ से नफा था और उसके बाद में ये मकान मेरा ये था, और वहाँ से ना SDM साहब ने नापा था, उसके बाद में ये प्रधान ने करवा लिया इसको गौशाला के अंदर में। इसके अलावा और कोई? और कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जबरदस्ती कराया ये? हाँ, जबरदस्ती कराया, वो कहते हैं गाँव वालों ने विरोध कर रहे हैं तुमरे पे, और गांव वालों ने विरोध किसी कोई नहीं कर रहा। ना यहाँ से भूसा जाता है उतना यहाँ से जानवर जाता है, जितना वहाँ से भूसा आता है उतना ही जानवर यहाँ से जाता है। कैसा जानवर जाता है? मरा हुआ, 3-3 ठिलिया पे लाद के, योगी मरवा रहे हैं कि जीववा रहे हैं जी, मतलब यहाँ पे इतना सड़ा हुआ जानवर जाता है कि गांव में नाक नहीं दी जाती, 3-3 दिन का जानवर जाता है यहाँ से। आपका नाम भैया क्या है? अरे इसी आप बात करो, हम तो यहीं रह ले नहीं ना। हो गया, बताते बताते क्या हुआ है लैट्रिनों में भैया? आप सर लैट्रिन में देख लो आप, न छत पड़ी है न टैंक बना हुआ है सर जी, 6,000 की दोनों लैट्रिनों की चेक रोके पड़े हैं प्रधान। ये कौन सा ग्राम सभा लगता है? ये ग्राम भगवंतापुर पोस्ट पुआया ब्लॉक भरावन जी, जिला हरदोई है सर जी। प्रधान जी का नाम है कल्पना रावत जी। हाँ सर, उन्होंने बोला कि 4,000 हमें रुपये दे दो, चाहे जिस DM SDM के पास जाओ जी, मैं ऐसे साइन नहीं करने वाला हूँ, चाहे जो करना हो कर लो जी। 4,000 रुपये? 4,000 दो लाइटनों पे मांग रहे हैं। हमारे पिताजी स्वयं गए थे, कहने लगे प्रधान जी चेक पे साइन कर दो, कहने लगे चाहे जिसके पास जाओ हम बिना 4,000 रुपया लिए साइन नहीं करेंगे। मैं यशो साहब से बता चुका हूँ अतरौली थाने में जी, विधायक जी से बता चुका हूँ, उत्तर अधिकारी से बता चुका हूँ, संतोष
सेक्रेटरी से बता चुका हूँ, ब्लॉक भराउन से सबसे शिकायत कर चुका हूँ, उसी के चिढ़े में सर मोरा वो बोर ले लिया, मतलब ले लेने कि इनको 4000 हम रुपये दे देते तो ना मेरा बोर नष्ट करते ना लेते अंदर और ना ये टैंक वगैरह छोड़ते, सब बन जाता सर। इसी मकान किसका है? ये हमारे चाचा का है सर। इन्हों का मतलब 9000 रुपया देने को कहा था, नहीं दिया। अच्छा, अपने पास से बनवाए। चेक नहीं वापस किए, चेक कहा धमका दीने कहा। अब सेक्रेटरी साहब मौजूद थे संतोष, मौजूद थे कि हम उस दिन तुम्हारे सामने पूछा रहा है तो कहा कहते रहा, कह रहे रहा कि ऐसा है मैं जितनी जल्दी यहाँ से भैया मेरा ट्रांसफर हो जाए, तो हमका अब ही का है परेशान हो गए, हमका चेके तो मिली ही नहीं, चेके दवा दो तब भेजा हम कहा जाओ। ये बात हुई थी, इधर टेलर इनके सामने जा रहे थे, गौशाला आए थे और दूर भी पड़ी है सर, देख लो पीछे हमने धरी है बस, छत वगैरह कुछ नहीं है, पिंजाई हमने ऊपर से रख दी है, टैंक भी अभी नहीं बना, एक साल से ऊपर हो रहा, लगभग 13 महीना हो गया, अगर ये चेक हमारी दे देते तो इनमें हम यूज कर सकते थे, इसीलिए हमने चेक के द्वारा अपने आप को मतलब लिंटेड डाल के अपने हाथ बना हुआ रहा है कि इनका अगर सरकार हमका अवसर दिन है तो हम यूज कर सकें। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए आर के सिंह की रिपोर्ट, अतरौली हस्त।